हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका एक बार फिर से बच्चों टॉप 10 क्लासेस पे बच्चों स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपका देख रहे थे उपसंयोजक यौगिकों का आयुपैक नामकरण, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपैक नेम आयुपीएसी नेम कैसे लिखेंगे बच्चों, उसके नियम के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। और हमने कहा था एक लेक्चर आपका और होगा जहां पर लगभग हम 3 से 40 एग्जांपल करेंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट 40 एग्जांपल्स। ओके, आई होप यू आर रेडी अगेन। तो ठीक है बच्चों, आज हम आपका डिस्कशन करेंगे। तो क्या है बच्चों, हेडिंग आपका लगा लेते हैं उपसह संयोजक। यौगिकों का आयुपीएसी, उपसहसंयोजक यौगिकों का आयुपीएसी क्या बच्चों, नामकरण। और यहाँ बच्चों आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ये है बच्चों फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने दे रखा है हमें NINS3 टेकन 6 क्या है, NINS3 टेकन 6 और बच्चों Cl2, इसका बच्चों हमें IUPAC नाम लिखना है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम एक ट्रिक आपको उस दिन बताए थे कि IUPAC नामकरण बराबर क्या होता है। IUPAC नामकरण बराबर, हम बच्चों आपको लिखवा चुके हैं कि सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं जो संकुल से बच्चों बाहर होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धनायन का नाम प्लस दूसरे पे क्या होगा बच्चों, लिगेंड की संख्या। धनायन का नाम प्लस बच्चों क्या, लिगेंड की संख्या प्लस लिगेंड का नाम। और ये बच्चों एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो उनका नामकरण हम अल्फाबेटिकल करेंगे। तो मतलब लिगेंड का नाम कैसे करेंगे बच्चों, वर्णमाला के अनुसार करेंगे प्लस धातु का नाम जो आपका जो सेंट्रल मेटल होगा, कहने का मतलब केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम। और प्लस बच्चों लास्ट में आपका होगा रिडायन का नाम, क्या बच्चों रिडायन का नाम। तो बाय दिस फार्मूला यू कैन इंट्रोड्यूस दैट हाउ टू राइट आयुपैक नेम बच्चों। यहाँ पर हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसके विषय में आओ हम सीख ले। तो सबसे पहले बच्चों धनायन का नाम क्या, यहाँ पर संकुल के पहले सॉरी बच्चों, क्या यहाँ बच्चों संकुल से पहले, आपका ये संकुल है ना, क्या संकुल से पहले कोई धनायन है, नहीं है ना, तो कोई भी धनायन का नाम नहीं होगा। मतलब जो धनायन रहा वो आपका कुछ भी नहीं है। अब लिगेंड की संख्या, तो जैसे ही बच्चों आप संकुल में इंटर करते तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सेंट्रल मेटल, कहने का मतलब बच्चों केंद्रीय धातु मिलता है। इसके बाद बच्चों क्या मिलता है, जो भी केंद्रीय धातु को छोड़कर जितने भी चीज़ें मिलेंगी बच्चों, जितने भी लिगेंड मिलेंगे हम उनका नाम अल्फाबेटिकल करेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, NH3 है, तो NH3 टेकन 6 है बच्चों। तो इच्छा को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेक्सा कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सा। तो इसका नाम बच्चों क्या है, हेक्सा। और NH3 का नाम क्या बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड है, और इसका नाम क्या होता है, एमीन होता है, हेक्सा एमीन। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि मैं इसी आक्सीकरण अवस्था की बात करें, निकल है, तो क्या लिखे बच्चों, ये आपका निकल है। और बच्चों यहाँ पर कोई क्या धनायन तो है नहीं बच्चों, अगर धनायन नहीं है तो हम निकल का निकल ही लिखेंगे। तो क्या रहा बच्चों आपका, निकिल। और आक्सीकरण अवस्था बच्चों देखिए, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकल क्या होगा, हमने निकल का आक्सीकरण अवस्था क्या हो लिया, यक्स, तो यक्स प्लस।
NH3 के न्यूट्रल है, इसका कितना होता है बच्चों? जीरो। तो जीरो, और प्लस क्लोरीन का बच्चों क्या होता है? माइनस वन, इक्वल क्या? जीरो। तो ये बराबर क्या आ गया बच्चों? प्लस वन आ गया। तो निकाल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखे बच्चों? वन रखेंगे। और आपका ये क्या क्लोरीन है ना, तो इसको लास्ट में क्या लिखे बच्चों? इसका नाम क्या लिखेंगे हम? क्लोराइड लिखेंगे। ये रहा बच्चों आपका हेक्सा एमीन निकिल फर्स्ट क्लोराइड, इसका आयुपैक नेम बच्चों आपका निकल कर आ गया। यहाँ पे बच्चों आपका Cl2 है, तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या रहेगा? सेकेंड रहेगा। तो ये बच्चों और एक एग्जांपल हम आपका लें, एमीन H2O, और H2O का नाम बच्चों क्या होता है? एक्वा होता है। क्या होता है बच्चों? एक्वा होता है। H2O टेकन 6, और बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस 2 प्लस लगा दिए। तो यहाँ पर बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, सेम वही लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ कोई धनायन है? नहीं है ना, तो ठीक है, इंटर कीजिए अंदर। ये क्या है? MN है, और MN का नाम क्या होता है बच्चों? मैगनीज होता है। क्या होता है? मैगनीज होता है। और ये बच्चों क्या सेंट्रल मेटल हो गया आपका? क्या हो गया? सेंट्रल मेटल हो गया। और ये बच्चों क्या आपका? लिगैंड है। तो लिगैंड का नाम हम लिखेंगे, तो कितने हैं बच्चों? H2O 6 हैं। कितने है बच्चों आपका? 6 हैं। तो 6 का बच्चों हम क्या लिखेंगे? आप खुद बताइए 6 का बच्चों हम क्या लिखेंगे? हेक्सा लिखेंगे ना, हेक्सा। और H2O के लिए बच्चों क्या लिखते हैं हम? एक्वा। हेक्सा एक्वा। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले आप क्या क्या करिए ना, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। चलिए, तो इसका मान लिया हमने ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या है? जल का बच्चों जल का बच्चों क्या होता है? जीरो होता है। तो जीरो हो गया बच्चों, ये क्या? टू प्लस है। तो मतलब ये आपका न्यूट्रल लिगेंड तो है नहीं बच्चों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है नहीं। यहाँ पर क्या बच्चों? टू प्लस है। तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों? ये आपका एक्स प्लस 6×0 इक्वल क्या बच्चों? प्लस 2। ये बच्चों रहा, अगर x बराबर क्या आ गया बच्चों? प्लस 2। तो आपका जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया आपका? प्लस 2 आ गया। तो ये बच्चों आप याद रखिए बस। तो ये बच्चों क्या? अच्छा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे बच्चों। क्या धनायन है? नहीं है ना, धनायन है आपका? नहीं है। तो लिगेंड की संख्या, तो लिगेंड की संख्या बच्चों दो, एक ही लिगेंड है यहाँ पर, H2O है, और इसकी संख्या 6 है। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, हेक्सा एक्वा, और ये क्या बच्चों आपका? यमियन है। क्या यमियन? अगर बच्चों हमने आपको बताया था कि यदि आपका संकुल धनायन होगा तो सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और लास्ट में आयन जोड़ देंगे, और यदि आपका संकुल ऋणायन हो एट लगाइए। क्या लगाइए बच्चों? एट। तो क्या संकुल धनायन है कि ऋणायन? धनायन है। तो इसका नाम लिखिए बच्चों मैग्नीज। क्या नाम है बच्चों? मैग्नीज। और बच्चों यहाँ पर देखिए केंद्रीय धातु का नाम फिर बच्चों क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखेंगे बच्चों? रोमन में। किस में लिखेंगे हम? रोमन में बच्चों। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लिखेंगे बच्चों? आपका रोमन में क्या लिखेंगे हम? आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो लिख लीजिए बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 2 है। तो रोमन में 2 कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं। तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड, और ये बच्चों क्या है? क्या बच्चों? धनायन है। तो क्या लिखेंगे? आयन। क्या लिखें बच्चों? आयन। तो ये आपका रहा आयुपैक नेम। आज ये बच्चों आपका हम अगला लेते हैं बच्चों एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आपका क्या लेते हैं? अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या आपका? 3 है। अब 3 क्या कह रहा है बच्चों, इसे ध्यान दीजिए। कहा है K3 Cr CN6, इसका नाम बच्चों आपसे पूछ लिया है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? आओ हम जाने। तो सबसे पहले आप बच्चों बताइए ये क्या है? धनायन आ गया कि नहीं? तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन का नाम क्या बच्चों? पोटेशियम है। और संख्या तो जाते नहीं बच्चों, क्या है आपका? ये पोटेशियम है। क्या आपका है? पोटेशियम। अब पोटेशियम जैसे लिखा तब आ गया बच्चों आप संकुल में, और संकुल में पहला चीज आपका क्या होता है बच्चों? सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु होती है।
अब इसके बाद जो बचेगा लिगेंड होगा, तो पोटेशियम हेक्सा सिक्स एन एच, इसका क्या ले हेक्सा, सी एन को क्या लेते हो साइनो, क्या लिखते हैं हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और ये देखिए बच्चों, क्या अगर ये बच्चों आपका धनायन है तो संकुल पर ये धनायन है बच्चों, तो संकुल क्या ऋणायन हो गया, और ऋणायन हो गया तो क्रोमियम में एट जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्रोमियम में बच्चों आप एट जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर बच्चों आप क्रोमियम में एट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रोमेट, क्या हो जाएगा बच्चों क्रोमेट हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या बच्चों क्रोमेट। और बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही है, आप निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि तीन से चार बार हम वैसे ही बता चुके हैं, एक बार और बता रहे हैं, जिसका निकालना उसका क्या मान लो बच्चों यस, कितने पोटेशियम है बच्चों तीन, और पोटेशियम बच्चों पता होता है एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था प्लस वन, और सी एन साइनाइड का बच्चों कितना होता है आपका माइनस वन होता है, तो निकाल लीजिए तीन है तीन गुणे प्लस वन, और क्रोमियम है बच्चों ने क्रोमियम हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, प्लस छः गुणे सिक्स गुणे माइनस वन हो ना बच्चों आपका, ये क्या माइनस वन है सिक्स गुणे माइनस वन, तो ये क्या बच्चों थ्री प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, और इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यस बड़ा क्या आ गया बच्चों प्लस थ्री आ गया, यस बड़ा बच्चों आपका क्या है प्लस थ्री आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बच्चों थर्ड है, ये थर्ड आ गया, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो क्रोमेट होगा बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो अगला एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या है बच्चों, यदि बच्चों हम आपका देखें क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर आपके विद्या में बच्चों सीरीज में क्या रखा है, कि आप लिखिए सी आर यस टू ओ, सी आर यस टू ओ टेकन फोर सी एल टू, और बच्चों लास्ट में आपका दे दिया एन ओ थ्री, क्या बच्चों एन ओ थ्री दे दिया है, तो इसका नाम बच्चों आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, एक्स यस टू ओ का क्या होता न्यूट्रल जीरो, क्लोरीन का बच्चों क्या होता माइनस वन, और इसका क्या होता बच्चों माइनस वन होता है, एन ओ थ्री का कितना होता है माइनस वन होता है, तो यहाँ बताओ बच्चों एक्स प्लस जीरो प्लस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, आप खुद बताइए, यक्स दो एक करना बच्चों दो, तो माइनस टू और माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यक्स बार बच्चों क्या आ गया प्लस थ्री, तो मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकल गया क्या आ गया बच्चों प्लस थ्री आ गया। अब इसका नाम हम लिखेंगे तो कुछ भी नहीं है बच्चों नाम में, एकदम आसानी से बच्चों आप लिख सकते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों सबसे पहला काम क्या किया करिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, और जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे वैसे ही आपका आधा काम तो हो गया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितना आ गया प्लस थ्री आ गया है, तो आओ इसका हम नाम लिखें, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ही क्या संकुल के बाहर कोई धनायन है, नहीं है तो धनायन का नाम बच्चों नहीं लिखेंगे, तो लिगेंड की संख्या आगे बच्चों जैसे आप संकुल में इंटर करेंगे तो सबसे पहले बच्चों क्या मिलेगा आपको सेंट्रल मेटल मिलेगा, सेंट्रल मेटल मतलब केंद्रीय परमाणु मिलेगा, केंद्रीय धातु मिलेगा, तो इसके बाद बच्चों ये आपका लिगेंड है, ये क्या है बच्चों आपका लिगेंड है, और ये भी बच्चों आपका क्या है लिगेंड है, अब दोनों लिगेंड है बच्चों, तो कौन सा लिगेंड, ये क्या है एक्वा है बच्चों ए क्यू यू, आपका बच्चों क्या होता है एक्वा होता है, और एक्वा की स्टार्टिंग ए से है, और ये क्या बच्चों आपका क्लोरीडो है, अब क्लोरीडो की स्टार्टिंग किससे होती है सी से होती है, सबसे पहले बच्चों आपको क्या आ गया एक्वा आ गया, तो एक्वा का नाम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, तो आज ये लिखिए एक्वा चार है तो क्या लिखें बच्चों टेट्रा टेट्रा, और संकुल का नाम बच्चों एक ही लाइन के अंतर्गत लिखा कीजिए, आप एक लाइन खींचिए उसी में जितना संकुल का नाम है सब लिख डालिए, इसके बाद फिर दूसरी लाइन पे आप बच्चों लिखेंगे टेट्रा एक्वा, तो इसका नाम हो गया बच्चों टेट्रा एक्वा, ये क्या बच्चों दो है ना बच्चों, तो डाई क्लोरीडो डाई क्लोरीडो, और बच्चों आपका संकुल
आपका संकुल बच्चों क्या है बच्चों, इस पर ऋणात्मक चार्ज तो है नहीं बच्चों। जब ऋणात्मक चार्ज नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ज्यों का ज्यों केंद्रीय परमाणु आप लिख दीजिए। तो क्रोमियम है बच्चों, क्या लिखेंगे क्रोमियम, क्या लिखेंगे क्रोमियम। और क्रोमियम जैसे लिख लिया बच्चों तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है तो थर्ड लिखेंगे आप। और लास्ट बच्चों क्या है नाइट्रेट है तो क्या लिखेंगे आप नाइट्रेट। तो ये बच्चों आपका आयुपैक नेम निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका क्या कहता है इसके विषय में आप देखिए, कह रहा है K2 Ni और Cn क्या बच्चों 4। कह रहा है इसका नाम लिखकर बताइए आप। तो कुछ नहीं है, केवल आप ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आपको संकुल से पहले कुछ मिला, हाँ धनायन। तो धनायन का नाम क्या होता है बच्चों, इसका पोटेशियम होता है। क्या होता है पोटेशियम, तो संख्या पर ध्यान तो दे देना ही बच्चों। तो ये क्या पोटेशियम, तो पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम का नाम लिख लेंगे तो अंदर प्रवेश करेंगे और लिगेंड की संख्या लिखनी है। तो ये बच्चों जैसे स्टार्टअप करते हैं किसी संकुल में इंटर करना तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या मिलता है धातु मिलता है, सेंट्रल मेटल मिलता है। तो इसका नाम पहले नहीं लिखते बच्चों, इसके बाद जो मिलेगा वो आपका लिगेंड होगा। तो चार है बच्चों, चार मतलब टेट्रा, और इसका नाम बच्चों को पता हो चुका है टेट्रास्टानी। तो हमें आशा है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता बच्चों 2 तो ये हो गया और 4, ये 4 में से 2 गए बच्चों, क्या आ गया आपका +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बच्चों +2 होगा, पोटेशियम टेट्रास्टानो। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर ये पोटेशियम धन आयन तो संकुल ऋण आयन, आपका पोटेशियम धनायन तो संकुल ऋण आयन, और संकुल में का जो नाम है बच्चों निकल है, और निकल में जब एट जोड़ेंगे तो क्या निकलेट, क्या होगा बच्चों निकलेट, निकलेट क्या निकल का आया पोटेशियम टेट्रासायनो निकलेट। निकलेट क्या लिखेंगे बच्चों सिकेंड है ना, तब क्या लिखेंगे सिकेंड। बस बच्चों ये आपका आयुपैक नेम निकल कर आ गया, पोटेशियम टेट्रासायनो निकलेट। तो अगला एग्जांपल बच्चों बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों। तो 6 में बच्चों इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इसका नाम लिखकर बताइए CO NH3 taken 4, CONH3 taken 4, H2O taken twice, और बच्चों लास्ट में इन्होंने लिखा Cl3। और इसका IUPAC ने पूछ लिया बच्चों तो आप कैसे लिखेंगे ये बताइए। तो सबसे पहले क्या धनायन का नाम है बच्चों, कोई धनायन है नहीं है तो आप इंटर कीजिए। ये एमीन होता है बच्चों, ये क्या आपका एक्वा। अब एमीन और एक्वा दोनों की स्टार्टिंग ए सी है बच्चों, लेकिन एमीन है AMMIN और इसका AQ है, मतलब सबसे पहले AM पड़ेगा ना बच्चों, सेकेंड लेटर पे जाइए तो सेकेंड लेटर पे जाएंगे बच्चों, तो इसका AM पढ़ा और इसका AQ पढ़ा, तो AQ पहले आएगा तो AM पहले आएगा बच्चों, एक ए तो दोनों ए समान है दोनों का। अब सेकेंड लेटर की बात कीजिए तो M है उसका Q है तो इसका पहले पढ़ा, तो ये 4 है ना बच्चों, तो 4 को क्या लिखे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा एमीन, क्या लिखेंगे बच्चों आप टेट्रा एमीन डाई एक्वा टेट्रा एमीन डाई एक्वा। और ये क्या बच्चों, क्या आप पर इस संकुल पर ऋणायन है बच्चों, नो ऋणायन चार्ज नहीं बच्चों, तो आप ये कोबाल्ट है, क्या लिखे कोबाल्ट लिखे, क्या लिखे बच्चों कोबाल्ट। और कोबाल्ट बच्चों का चार्ज देखेंगे ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, और ये Cl3 है बच्चों तो +3 का चार्ज आएगा, तो +3 का चार्ज आएगा बच्चों, आपने क्या लिख दिया थर्ड लिख दिया। और ये क्या बच्चों क्लोराइड। तो ये बच्चों आपका नाम आयुपैक नेम निकल कर आ गया, टेट्राएमीन डाइक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आइए बच्चों अगले एग्जांपल की हम बात करें, अगला एग्जांपल आपका क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 इन्होंने कह रखा है कि आप इसका नाम लिखिए Fe4 Fe CN6 और बच्चों यहाँ पर आपका taken 3 है। अब
इसका नाम बच्चों लिखना है, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसका नाम आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। अब इसका नाम कैसे लिखना है बच्चों, इसमें बच्चों ने दे रखा है एफ ई एस टू ओ टेकन सिक्स, एफ ई एस टू ओ टेकन सिक्स, और बच्चों क्या आपका सी एल थ्री है, इसका आयु पैग ने बच्चों ने पूछ रखा है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल है, धरान तो कोई है नहीं बच्चों, धरान का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो सेंट्रल मेटल है, तो ये क्या बच्चों आयरन है आपका, और ये क्या बच्चों एक्वा है, जल है बच्चों, तो ये क्या है सिक्स है। तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों तो इसका क्या होता है न्यूट्रल है, और इसका क्या होता है बच्चों प्लस थ्री आ गया, तो क्या माइनस थ्री बच्चों उधर ले जाएंगे बराबर के इक्वल ले जाएंगे तो प्लस थ्री हो गया। तो इसका बच्चों क्या लिखेंगे आप, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, इसका नाम बच्चों क्या रहता है एफ ई है ना, तो आप चाहे आर एल लिख दीजिए और चाहे फेरस लिख दीजिए, तो हमारे हिसाब से बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखिए आयरन ही लिखिए, क्या लिखिए आयरन, आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है बच्चों क्या लिखेंगे, तब आप थर्ड लिखिए, और इसका नाम क्या बच्चों क्लोराइड, क्या है आपका हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसका आयु पैक नेम बच्चों निकल कर आ गया। अब बच्चों हम आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, क्वेश्चन नंबर एट बच्चों इन्होंने कहा है कि सी ओ एन एस थ्री, सी ओ एन एस थ्री टेकन फोर एस ओ फोर ब्रैकेट बंद और बच्चों एन ओ थ्री। तो आपको बच्चों यहाँ पर पता होगा कि एन एस थ्री क्या होता है बच्चों एमीन होता है, और चार के लिए क्या लगाएंगे टिट्टा लगाएंगे, तो इसका नाम टिट्रा एमीन हो गया बच्चों। और अगले का नाम बच्चों क्या निकलेगा, अगले का नाम बच्चों क्या है, ये आपका क्या है एस ओ फोर, क्या बच्चों एस ओ फोर टू माइनस, मतलब इसे हम क्या कहते हैं बच्चों सल्फेटो कहते हैं, क्या कहते हैं आपका सल्फेटो कहते हैं, या सल्फाइडो लिख दो बच्चों। तो अब देखिए बच्चों ये क्या आपका फोर है, और ये क्या सल्फेटो है, और क्या है नाइट्रेट है, तो कुछ नहीं बच्चों आपको कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए ये क्या है सेंट्रल मेटल है, तो इसका नाम पहले लिखे नहीं, तो ये क्या एमीन है, और ये क्या सल्फेटो है, तो यस है ए है, ए सबसे पहले, तो ये क्या लिखे टेट्रा, क्या लिखे बच्चों आप टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन सल्फेटो, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों आप ऐसे ही देखकर बता दीजिए ये क्या है टू माइनस बच्चों, और इस पर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस थ्री, तो इस पर क्या बच्चों थर्ड आ गया। एन एस थ्री न्यूट्रल होता है, तो टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, क्या बच्चों कोबाल्ट थर्ड, और ये क्या बच्चों आपका नाइट्रेट है, क्या बच्चों आपका नाइट्रेट, तो टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड और नाइट्रेट निकला बच्चों। और क्वेश्चन नंबर जो नाइन देखिए आप, नाइन क्या अगर आपका क्वेश्चन नंबर जो नाइन कहा है, तो इसमें बच्चों कहा है के टू, के टू एन आई सी एन टेकन फोर, तो बच्चों इसका नाम आप लिख लेंगे, हमें पूरा भरोसा आप लिख लेंगे, क्या बच्चों पोटेशियम टेट्रासाइनो निकल सिकेंड, सॉरी सिकेंड नहीं, हाँ निकल बच्चों सिकेंड, तो इसका नाम बच्चों आप लिख लेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका नाम क्या लिखें बच्चों, पोटेशियम, सबसे पहले धनायन का नाम बच्चों धनायन, तो धनायन का नाम लिखिए, और ये तो आपका बच्चों सेंट्रल मेटल हो गया, इसका नाम तो पहले लिखेंगे नहीं, अब इस पर आ जाइए, तो ये क्या लिगैंड है ना बच्चों, इसका लिखें चार लिखे, क्या लिखें टेट्रा, टेट्रा साइन, क्या लिखें बच्चों टेट्रा पोटेशियम टेट्रा साइनो निकल है ना बच्चों, तो निकल के लिए आप क्या लिखेंगे, ये धनायन है बच्चों धनायन है, तो ये क्या एट जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे निकिलेट, क्या लिखेंगे आप निकिलेट, और निकिलेट लिख लिए बच्चों, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी सिकेंड निकल कर आएगा, तो हमने क्या लिख दिया आपका सिकेंड लिख दिया। और बच्चों
अगला बच्चों इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है आपका। अब 10 क्या बच्चों और इसके विषय में हम देखें तो यहाँ पर कह रहे बच्चों पीटी NH3 पीटी NH3 टेकन 6 और बच्चों 4+ है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहाँ पर डिफिकल्टीज हो रही थी, ये 0 हो गया बच्चों, तो प्लैटिनम का डायरेक्टली आपको दिख रहा है क्या है बच्चों +4 है। तो क्या बच्चों 4 है आपका, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये क्या है 6 है बच्चों, तब क्या लिखें हेक्सा एमीन, क्या बच्चों हेक्सा एमीन प्लैटिनम है ना बच्चों, तो आप प्लैटिनम लिखिए प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन 4 है तो बच्चों क्या लिखिए 4 लिखिए। और हमने आपको बताया है जब भी आपके संकुल पे धनायन लगा हो दिख रहा हो बच्चों तो आप क्या लिखिए लास्ट में आयन लिखिए। तो हेक्सा एमीन प्लैटिनम 4th और बच्चों आयन हो गया। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे और इसके विषय में हम देख लेते हैं आपका। तो अगला इन्होंने पूछा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 11 कह रहे बच्चों CO Cl2 और EN2 मतलब बच्चों एथिलीन डाई एमीन एथीन 1 डाई एमीन, या तो ये लिखिए बच्चों। और आगे दिया बच्चों SO4, तो इसका नाम बच्चों इन्होंने पूछ लिया इसका नाम बताइए। तो ये बच्चों क्या लिगैंड है, लिगैंड का नाम तो लिखेंगे बच्चों, हाँ ये भी लिगैंड है। तो EN क्या है बच्चों, EN क्या होता है CH2 NH2 और क्या बच्चों CH2 और NH2, इसको साठ है बच्चों, साधारण भाषा में हम इसे क्या कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, क्या कहते हैं बच्चों एथिलीन डाई एमीन। और IUPAC में बच्चों हम इसको क्या कहते हैं IUPAC बच्चों 1-2, तो क्या लिखेंगे एथेन, क्या लिखें बच्चों एथेन 1-2 डाई एमीन, क्या लिखें बच्चों एथेन 1-2 डाई एमीन, इसका क्या होगा बच्चों IUPAC नाम होगा। तो ये बच्चों हमने लिख लिया, क्या यहाँ पर डाई आ गया, तो डाई है बच्चों इसकी संख्या 2 है, तो इसके लिए क्या लगाएं 20 लगाएंगे, क्या लगाएं बच्चों 20 लगाएंगे। और एथेन बच्चों ई से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है ई से, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिख लेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे इसका नाम डाई क्लोरो चाहे क्लोरीडो बच्चों, इसका नाम क्या लिखें डाई और इसका नाम बच्चों क्लोरीडो चाहे क्लोरो लिखिए डाई क्लोरीडो 20 एथेन 1-2 डाई एमीन 20 एथेन 1-2 डाई एमीन, क्या बच्चों एथेन 1-2 डाई एमीन। और बच्चों यहाँ तक आपने लिख लिया और आगे क्या बच्चों सल्फाइड है बच्चों, क्या आपका सल्फाइट है, तो आप आगे बच्चों आप क्या लिखेंगे इसको हम सल्फाइट न लिख करके बच्चों क्या लिखेंगे आपका सल्फेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों आपका हम सल्फेट लिखेंगे। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल का तो नाम लिखेंगे ना बच्चों, ये क्या कोबाल्ट है, क्या बच्चों आपका कोबाल्ट है, तो आप लिखेंगे कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल है, ये क्या है -2 है बच्चों, यहाँ पर क्या है 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन का -1 दो क्लोरीन का -2 होगा और यहाँ पर -2, तो क्या आ गया बच्चों 4th आ गया आपको, क्या आ गया 4th आ गया बच्चों। और इसका क्या लिखेंगे बच्चों सल्फेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों सल्फेट। तो ये बच्चों आपका IUPAC नेम हो गया। तो यहाँ तक बच्चों अगर आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों और पूछ लीजिएगा। अब हम आपके अगले एग्जाम्पल्स पर चलते हैं बच्चों। अब बच्चों अब ध्यान दीजिए,
कि अब आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बच्चों इन्होंने लिखा है NICO Taken 4, इसका IUPAC नेम क्या बच्चों? और आपको बच्चों पता है CO और CO के लिए बच्चों क्या उपयोग करते हैं? कार्बोनिल उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? कार्बोनिल उपयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या बच्चों? चार है ना, चार है तो चार के लिए क्या लिखे? टेट्रा कार्बोनिल। क्या लिख दिया बच्चों हमने? टेट्रा कार्बोनिल। और टेट्रा कार्बोनिल बच्चों हमने लिखा, और आप बताइए खुद बच्चों ये क्या निकल है? तो क्या लिख दिया हमने? निकल। और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बच्चों? इसका न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, तो यह इसका निकल की भी क्या होगा बच्चों? जीरो। इसका नाम निकल क्या आ गया? टेट्रा कार्बोनिल निकल। अगला बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर बच्चों आपको एग्जाम्पल जो कह रहा है, तो इसका K3 ये बच्चों इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, और ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, और इसके पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है। तो K3 CO C2 O4 C2O4 और यहाँ बच्चों टेकन थ्राइस है, और इसका नाम बच्चों आपसे लिखने के लिए बोल दिए। इसका नाम बच्चों क्या लिखें? K3 है ना, तो सबसे पहले धनायन का नाम, तो धनायन का नाम बच्चों क्या होगा? पोटेशियम होगा। क्या होगा आपका? पोटेशियम होगा। और जैसे ही बच्चों ने पोटेशियम लिखा, आप संकुल में एंटर करेंगे, तो संकुल में सबसे पहले कोबाल्ट मिला, धातु का नाम मिला, इसके पहले बाद क्या मिला? ऑक्सीलेटो मिला। क्या मिला बच्चों? ऑक्सीलेटो मिला। तो C2O4 कितना बच्चों? 3 है, तो 3 है, तो इसका नाम बच्चों आप क्या लिखेंगे? ट्राई पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। और बच्चों अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बच्चों, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन क्या होता है? +1 होता है, और 3 है बच्चों क्या हो गया? +3 हो गया। क्या आ गया? +3। और आपने इसका क्या मान लिया? कोबाल्ट के एक्स मान लीजिए बच्चों, कोबाल्ट के एक्स, और C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड से बच्चों आया है, और इसे ऑक्सीलेटो कहते हैं, और ऑक्सीलेटो का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों क्या होती है? -2 होती है। 3 है, 3 × -2 = 0। आप खुद बताइए, और 3 × 6 तो +3, और एक्स या -6 = 0, तो एक्स बराबर बच्चों क्या आ गया? +3 आ गया। तो कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बच्चों? +3 है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे आप? कोबाल्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? कोबाल्ट नहीं लिखेंगे बच्चों। अब देखिए धनायन आ गया, अगर संकुल में, संकुल बच्चों क्या है? ऋणायन है, और ये क्या बच्चों? धनायन है, तो संकुल ऋणायन होगा, तो 8 लगाएंगे ना बच्चों। तो यहाँ क्या? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। क्या लिखें बच्चों? पोटेशियम कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्या बच्चों? कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण था थर्ड बच्चों, क्या लिखेंगे आप? थर्ड लिखेंगे। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड इसका नाम निकल कर आ गया बच्चों। अब अगले एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो अगला एग्जाम्पल इसका क्या है और इसके विषय में हम देखें। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आपका ले रहे हैं 14। तो 14 बच्चों आपको क्या है? तो इसमें इन्होंने कहा है किसका नाम लिखे? के और ब्रैकेट बच्चों PT BR3 NH3 और टेकन थ्राइस, इसका नाम बच्चों आपसे पूछ लिया। तो इसका नाम बच्चों आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बच्चों आप बताइए कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे ना, तो ये क्या बच्चों आपका? धनायन हो गया, और ये क्या? सेंट्रल मेटल हो गया, और ये क्या बच्चों आपका? लिगेंड हो गया, और ये भी बच्चों क्या हो गया आपका? लिगेंड हो गया। तो सबसे पहले आपका ब्रोमीडो पड़ेगा, कि बच्चों आपका क्या पड़ेगा? एमीन पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका एमीन पड़ेगा, तो ये सबसे पहले देखिए बच्चों पोटेशियम, क्या बच्चों? पोटेशियम। ये क्या बच्चों? ट्राई
पोटेशियम, ट्राइएमीन, क्या बच्चों पोटेशियम ट्राइएमीन, और इसका नाम बच्चों तीन है ना, तो ट्राई पोटेशियम ट्राइएमीन, और बच्चों क्या लिखेंगे पोटेशियम ट्राई। तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पर आपको केवल NH3 है बच्चों पोटेशियम, तो NH3 के लिए बच्चों आप क्या लिखेंगे पोटेशियम एमीन, और यहाँ पर बच्चों आप क्या लिखेंगे ट्राई ब्रोमीडो, क्या लिखेंगे बच्चों ट्राई ब्रोमीडो पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमीडो। तो संकुल बच्चों क्या रिडायन है, धनायन, तो ये रिडायन, तो क्या लिखेंगे बच्चों प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, क्या बच्चों आपने लिख दिया प्लैटिनेट। अब प्लैटिनेट बच्चों लिखा तो आप ही बताइए बच्चों कि यहाँ पे आक्सिक अवस्था क्या होगी, प्लस वन तो बच्चों ये हो गया और थ्री यहाँ, और माइनस थ्री है बच्चों माइनस थ्री, क्योंकि ब्रोमीन का माइनस वन होता है बच्चों, तो पोटेशियम का प्लस वन, और क्या बच्चों पीटी का हमने एक्स मान लिया, और इसका थ्री गुड़े माइनस वन, और इसका NH3 का न्यूट्रल है बच्चों तो जीरो होता है। तो मॉलिक्यूल क्या न्यूट्रल है बच्चों, तो आपका क्या होगा एक्स, यहाँ बच्चों क्या आ गया माइनस थ्री, यहाँ पर क्या बच्चों प्लस वन, तो घटा देंगे थ्री में से वन, क्या बच्चों माइनस टू, तो ये बराबर क्या है बच्चों प्लस टू आ गया। इस पर आपसे क्या है प्लस टू है, तो आप क्या लिख दें बच्चों सेकेंड लिख देंगे। तो पोटेशियम एमीन ट्राइब्रोमीडो प्लैटिनेट बच्चों इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल है बच्चों, और अगला एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बच्चों 15 देखिए आप, तो 15 बच्चों क्या कर रहा है आपसे, कर रहा है Ca2, क्या बच्चों कर रहा है Ca2, Ca2, और ब्रैकेट बच्चों इन्होंने लिख रखा है Fe CN6, Fe CN6, इसका IUPAC नाम बच्चों क्या होगा और हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि Ca2, तो Ca2 बच्चों आपको क्या है कैल्शियम है, तो इसका तो संख्या लिखते नहीं बच्चों, सबसे पहले आप देखिए धनायन है, तो क्या बच्चों कैल्शियम है, क्या बच्चों आपका कैल्शियम, और बच्चों ये क्या है सेंट्रल मेटल है, और क्या बच्चों आपका लिगेंड है कैल्शियम, हेक्सासाइनो बच्चों क्या लिखे कैल्शियम, कैल्शियम हेक्सासाइनो, कैल्शियम हेक्सासाइनो, और यफ़ी है बच्चों, और यफ़ी क्या है आपका धनायन है सेंट्रल मेटल है बच्चों, और सेंट्रल मेटल ध्यान दीजिए बच्चों सबसे पहले धनायन तो संकुल क्या हो गया रिडायन हो गया, और संकुल रिडायन हो गया तो आप सेंट्रल मेटल है जो उसमें क्या जोड़िए एट जोड़िए, और जो बच्चों आप एट जोड़ेंगे तो इसे क्या फेरस में जब बच्चों एट जोड़ क्या फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेरेट, तो क्या बच्चों कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट। और यदि आक्सीकरण अवस्था बच्चों बात करेंगे तो कैल्शियम का प्लस टू होता है बच्चों, तो दो गुड़े बच्चों प्लस टू, और आयरन के एक्स प्लस सिक्स गुड़े बच्चों क्या माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दो दूनी चार प्लस फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो घटाएंगे बच्चों तीस द्वारा क्या आ गया प्लस सिक्स, यहाँ बच्चों डायरेक्टली देखिए प्लस फोर से माइनस सिक्स जाएगा प्लस टू, सॉरी माइनस टू इधर आएगा, तो बच्चों क्या हो गया प्लस टू हो गया, तो हेक्सासाइनोफेरेट क्या बच्चों सेकेंड हो गया। तो ये बच्चों आपका क्या निकल कर आया IUPAC नेम बच्चों निकल कर आया। ये बच्चों अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 बच्चों आपको क्या कर रहा है, और हमें पूरा विश्वास आप इसे कर लेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है बच्चों K3 CR C2O4 taken 3, इसका IUPAC नाम बच्चों आपसे पूछ रखा है, तो IUPAC नाम बच्चों इसका आप क्या लिखेंगे, ये क्या पोटेशियम है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे पोटेशियम, क्या बच्चों पोटेशियम, और आपको बच्चों आक्सीकरण अवस्था पता है कि ये क्या बच्चों ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो क्या होता है माइनस टू बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए पोटेशियम को वन, तो क्या लिखें बच्चों प्लस वन इंटू पोटेशियम थ्री है,
और क्रोमियम को बच्चों एक्स मान लिया और थ्री गुड़े ऑक्सीडेटो को माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये तीन करना बच्चों क्या हो गया प्लस थ्री और प्लस एक्स और तीन दो नीचे इक्वल टू बच्चों जीरो और सिक्स में से थ्री घटा देंगे तो क्या आएगा बच्चों प्लस थ्री आएगा माइनस थ्री तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स बाय बच्चों आपका क्या प्लस थ्री आ गया। तो मतलब इसी आक्सीकरण अवस्था बच्चों क्या है आपकी प्लस थ्री है। तो पोटेशियम और जो तीन है ना तो क्या लिखें बच्चों इसके लिए ट्राई ऑक्सीलेटो ऑक्सीलेटो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। अब बच्चों देखिए ये धनायन है और ये क्या बच्चों ये धनायन संकुल हो या ऋणायन तो क्रोमियम में बच्चों क्या जोड़ेंगे क्रोमियम में बच्चों आप क्या जोड़ेंगे क्रोमियम में जोड़ेंगे बच्चों एट तो क्या आ जाएगा क्रोमेट क्या आ जाएगा बच्चों क्रोमियम एट जोड़ेंगे तो क्या आ गया बच्चों क्रोमेट हो गया। और जब बच्चों आपका क्रोमेट निकल कर आया तो यहाँ पर जो आक्सीकरण अवस्था क्या दिख रही है थर्ड दिख रही है ना बच्चों तो आप क्या लिखेंगे क्रोमेट थर्ड लिखेंगे। अब क्वेश्चन है बच्चों आप 17 देखिए 17 ने बच्चों आपसे कह रखा है कि इसका आईपीएसी नाम लिखिए तो क्या बच्चों K3 CO NO2 taken 6 और ब्रैकेट क्या बच्चों क्लोज है तो इसका नाम बच्चों आप क्या लिखेंगे ये क्या पोटेशियम है बच्चों तब क्या लिखें पोटेशियम क्या बच्चों पोटेशियम। और बच्चों आपको पता है NO2 का नाम क्या होता है बच्चों नाइट्रो होता है क्या होता है बच्चों नाइट्रो होता है क्या होता है नाइट्रो होता है। अब बच्चों NO2 का क्या होता है नाइट्रो होता है बच्चों और वैसे यहाँ पर लिखेंगे जैसे ऑक्सीलेटो हुआ इसी प्रकार से इसका नाम बच्चों आप क्या लिखेंगे नाइट्रीटो क्या लिखें बच्चों नाइट्रीटो। तो आओ इसका नाम लिखे बच्चों पोटेशियम हेक्स क्या लिखें बच्चों आप पोटेशियम सिक्स बच्चों क्या लिखें हेक्सा पोटेशियम हेक्सा नाइट्रीटो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रीटो। और इसका बच्चों क्या है ये क्या धनायन है तो ये ऋणायन होगा तो क्या लिखे बच्चों कोबाल्टेट क्या लिखेंगे कोबाल्टेट और कोबाल्टेट आ गया बच्चों और कोबाल्टेट आ गया तो आक्सीकरण अवस्था क्या बच्चों प्लस थ्री और यहाँ पे क्या बच्चों माइनस सिक्स तो थर्ड आ गया बच्चों आप क्या लिख देंगे थर्ड लिख देंगे। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्टेट थर्ड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप 18 ने बोला है बच्चों कि आप बताइए इसका नाम क्या होगा Cr Cl H2O और आगे बच्चों दे दिया है ब्रैकेट और बच्चों क्या Cl2 तो Cl क्या लिखते हैं क्लोरीडो लिखते हैं और इसको क्या एक्वा लिखते हैं तो सबसे पहले H2 आएगा बच्चों तो एक्वा तो क्या लिखेंगे एक्वा क्या चो एक्वा क्लोरीडो या बच्चों क्लोरो एक्वा क्लोरीडो। और इसका नाम क्या बच्चों क्रोमियम क्या नाम बच्चों क्रोमियम। और जब बच्चों आपने क्रोमियम लिख लिया तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितने निकले बच्चों ध्यान दीजिए जल का तो जीरो हो गया बच्चों Cl2 यहाँ पर और Cl यहाँ पर तो क्या प्लस थ्री आ गया बच्चों क्या यहाँ से -2 और यहाँ से -1 तो -2 और -1 क्या बच्चों -3 तो इसका क्या होगा प्लस थ्री तो एक्वा क्लोरीडो क्रोमियम और क्या बच्चों लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड लिखेंगे और ये क्या बच्चों आपको क्या हो गया क्लोराइड क्या निकल गया बच्चों क्लोराइड निकल कर आ गया। अब हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 अब क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 19 बच्चों बोला है आपसे
कि CO CO3 CO और बच्चों आपका ये CO3 है और ये बच्चों आपका CO है CO CO3 NH3 taken 5 NH3 क्या बच्चों taken 5 और लास्ट बच्चों क्या दे दिया आपका Cl दे दिया है। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होता है कार्बोनेटो होता है बच्चों, क्या होता है कार्बोनेटो होता है, और इसका नाम एमीन। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सी आएगा सबसे पहले, ए आएगा तो क्या पांच के लिए पेंटा, तो पेंटा एमीन कार्बोनेटो क्या बच्चों, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। और बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, यहाँ पर CO3 टू माइनस होता है माइनस टू बच्चों, ये न्यूट्रल है तो जीरो, इसका क्या है माइनस वन, तो माइनस टू और माइनस वन तो माइनस थ्री हो गया बच्चों, तो माइनस थ्री तो इस पर क्या आएगा अपोजिट साइन, तो इस पर प्लस थ्री हो गया बच्चों, तो पेंटा एमीन कार्बोनेटो। तो कोबाल्ट है बच्चों, तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट और कोबाल्ट के लिए बच्चों आपने क्या लिख दिया आगे जो ऑक्सीकरण अवस्था लिख दिया बच्चों थर्ड लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया बच्चों आपने क्लोराइड लिख दिया। तो ये IUPAC ने बच्चों आपका इसका आ गया। अब बच्चों इसका नाम क्या बच्चों, अब एक एग्जांपल बच्चों और आपके करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों इसका IUPAC नाम क्या बच्चों, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है K3 क्या बच्चों K3 और बच्चों यहाँ पर क्या है Al और आगे क्या है बच्चों C2O4 taken 3 इसका IUPAC नाम बच्चों क्या होगा, तो IUPAC नाम बच्चों क्या होगा, ये क्या K है तो इसका नाम बच्चों क्या होगा पोटेशियम, क्या होगा बच्चों आपका पोटेशियम और इसका नाम क्या ऑक्सीलेटो है 3 है तो ट्राई ऑक्सीलेटो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्या बच्चों पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। और ये बच्चों एल्युमिनियम है बच्चों, और यहाँ पर देखिए बच्चों पोटेशियम है, अगर पोटेशियम धन आयन तो पूरा संकुल बच्चों क्या हो गया आपका ऋण आयन हो गया, अगर ऋण आयन हो गया एल्युमिनियम एट जोड़ेंगे तो क्या एल्युमिनेट हो गया बच्चों, क्या एल्युमिनेट क्या बच्चों एल्युमिनेट। और ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों देखिए इसका क्या थर्ड है प्लस थ्री बच्चों यहाँ से आएगा, और यहाँ से क्या आएगा तीन दूनी छः और माइनस सिक्स, और प्लस थ्री माइनस सिक्स बच्चों क्या माइनस थ्री, और इस पर क्या है माइनस थ्री पूरे यहाँ का आ गया, और एल्युमिनियम पर क्या जाएगा बच्चों अपोजिट, तो क्या थर्ड हो गया। तो ये क्या आ रहा है बच्चों IUPAC नाम रहा। तो यहाँ पर बच्चों हमने 20 IUPAC नेम बच्चों कर लिए, अगर बच्चों यहाँ पर कहीं पर आपको डाउट्स हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यदि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन बचे हों तो बच्चों आप उसे दोबारा कमेंट बॉक्स में या बाई वाया कॉन्टेक्ट नंबर आप बच्चों पूछ सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवेन है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, टेक केयर बच्चों, अपनी एग्जाम के बच्चों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और यहाँ पर हम आपकी केमिस्ट्री क्लासेस लगातार लगाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।